हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मिनी मैथ। यहाँ मैं आपको क्लास वाइज और चैप्टर वाइज पूरा मैथ्स ट्यूटोरियल प्रोवाइड करूँगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ टाइम टू टाइम पर मिलते रहें। गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल मिनी मैथ। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन सेक्शन। ओके, इंट्रोडक्शन में मैं हर बार क्या करती हूँ कि हम पूरे एक्सरसाइज में किस टाइप से चीजें सॉल्व करेंगे, मैं ये बताते आती हूँ, राइट? तो अभी फिर से इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में भी पढ़ा है कि हमारे पास कुछ क्या होता है, जिसका पावर, जिस भी वेरिएबल का पावर 2 है, हम उसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले हमने थर्ड चैप्टर पढ़ा लीनियर इक्वेशन, उसमें हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ax प्लस by plus c equals to 0 था, right? इसमें ये linear equation क्यों था? क्योंकि हमें पता था कि इसका जो power था, variables के जो powers थे, वो क्या थे? 1. Power 1 रहा, मतलब हम क्या लिखते हैं? उसे linear लिखते हैं। Power अगर 2 रहा, highest degree अगर 2 रही, तो उसे क्या लिखते हैं? फिर quadratic लिखते हैं। और अगर 3 रही, तो उसे क्या लिखते हैं? फिर cubic लिखते हैं। हमने ये चैप्टर 2 में भी देखा है, 3 में भी देखा है, क्योंकि हमने लीनियर इक्वेशंस पढ़े हैं, राइट? तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो कि क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसमें दो वेरिएबल्स नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल सिंगल है, ओके? लेकिन यहाँ पे क्या है, ये स्क्वायर के फॉर्म में आता है और फिर एक लीनियर वाले फॉर्म में आता है, तो इसी को एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना दिया है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, करेक्ट है? तो अब हम एक क्वेश्चन को उसका इक्वेशन फॉर्म करके देखते हैं। अगर डिग्री 2 आई तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर डिग्री 2 नहीं आई तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ओके? गाइस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक और चीज है, मैंने क्या बताया, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 होता है। और मैंने क्या बताया, इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी हाइएस्ट डिग्री क्या है, डिग्री क्या है इसकी, हाइएस्ट 2 है, राइट? तो अगर मैं यहाँ पे a को 0 रख दूं, तो x वाला टर्म, x स्क्वायर वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 0 प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो ये क्या बन जाएगा, bx प्लस c, वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में एक चेंज है, चेंज क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट a is not equals to 0. a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, quadratic equation नहीं होगा, okay? अगर a is not equals to 0 है तभी होगा, क्योंकि जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको a की वैल्यू 0 पुट करके दिखाई, तो x square वाला टर्म ही चला गया, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी आ गई इसकी, 1 आ गई, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया, ना कि क्वाड्रेटिक, ओके? तो इसीलिए हमें ये कंडीशन याद रखना ही रहेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, क्लियर? गाइस, हमारे पास एक डायग्राम दिख रहा है, ये क्या रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में एक क्या होता है, ये लेंथ होता है और ये वाला साइड वाला क्या होता है, ब्रेथ होता है, और लेंथ अपोजिट साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, लेंथ इक्वल्स टू लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल्स टू ब्रेथ होगा, राइट? यहाँ पे डिग्रीज भी कितनी होती है हमें, 90 डिग्रीज होती है, तो ये तो रेक्टेंगल का कंसेप्ट हुआ, ओके? तो हमें पता है कि रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, सॉरी दिस इज नॉट एरियल, दिस इज एरिया, एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ओके? और यहाँ पे एरिया क्या दिया है, ये कारपेट है, ये कारपेट बिछा हुआ है, और कारपेट का पूरा जितना हमें लग रहा है वो एरिया है, ओके? तो लेंथ कवर किया है, ब्रेथ भी कवर किया, अगेन लेंथ एंड अगेन ब्रेथ कवर किया है, राइट? तो वो कंप्लीट एरिया कवर किया है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल एरिया क्या होता है हमारे पास, रेक्टेंगल एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, ओके? तो लेंथ यहाँ पे कितना दिया, लेंथ हमें दिया 2x प्लस 1 एंड ब्रेथ कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है, एरिया हमें दिया हुआ है 300 मीटर स्क्वायर, क्लियर? तो अब ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, तो पहले x को इससे मल्टीप्लाई करूंगी, फिर x को इससे मल्टीप्लाई करूंगी, तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x, ये हो जाएगा, और इधर कितना है, 300, तो ये एक इक्वेशन बन गया, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 इक्वल्स टू 0। तो अब ये चेक करना है हमें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो हमें तो दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो भी वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री है वो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए हाईएस्ट डिग्री, राइट?
तो वो हाईएस्ट डिग्री 2 है, दैट मींस ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ओके, एक वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं, वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है कि क्या होता है. ओके गाइस, ये क्वेश्चन समझते हैं. अब क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली, इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है. आज तक हम क्या किए थे, किसी एक को एक्स ले लेते थे, फिर किसी एक को वाई ले लेते थे. क्यों? क्योंकि हम ये क्या कर रहे थे, टू वेरिएबल्स पढ़ रहे थे, है ना. लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि वेरिएबल सिर्फ एक रहेगा, बस क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसके बाद एक्स रहेगा, फिर उसके बाद सी रहेगा. ओके, तो उसके बेसिस पे हम इसे लिखते हैं. जॉन एंड जिवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स. अगर जॉन, सपोज मैंने लिख लिया कि जॉन के पास जो नंबर ऑफ मार्बल्स है, नंबर ऑफ मार्बल्स जो है वो है एक्स, जॉन के पास एक्स है. तो जो भी जॉन के पास है प्लस जिवंती के पास जो भी है, वो टोटल कितने मार्बल्स हमारे पास, 45 है. अब अगर मैंने जॉन के मार्बल को x लिखा है, तो मैं जिवंती के मार्बल्स को लिख सकती हूँ क्या, 45 माइनस x लिख सकती हूँ, राइट. जॉन है ये और ये जिवंती है. ओके, तो दोनों का मार्बल मिला के टुगेदर है 45, तो ये कंडीशन लिख लिया. अब जॉन को मैंने x कंसिडर किया, तो जिवंती को मैंने 45 माइनस x कर सकती हूँ, राइट. तो जिवंती नंबर ऑफ मार्बल्स उसके पास कितने हैं, 45 माइनस x. एक ही वेरिएबल में लिखना है गाइस, इसीलिए मैंने इसको x बनाया है. ओके, अदरवाइज हम क्या करते कि x plus y equals to 45, जो कि क्या हो जाता, दो अलग अलग वेरिएबल हो जाते, जो कि हमें चाहिए ही नहीं. ओके, तो चलिए जॉन हो गया, जिवंती हो गया. आप उसके बाद क्या बोल रहा है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच. अब दोनों ने क्या कर दिया, 5-5 मार्बल उनके गुम गए, लॉस्ट हो गए. ओके, तो क्या हो जाएगा, जॉन का कितना हो जाएगा, x माइनस 5, ये हो गया जॉन के लिए, और जिवंती के लिए कितना हो जाएगा, 45 माइनस एक्स माइनस 5. क्लियर है इतना, ये कितना हो जाएगा, 40 माइनस एक्स हो गया, और जॉन कितना है, एक्स माइनस 5. नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ इज 124. अब बोल रहा है कि अब उनके पास लॉस्ट, 5-5 लॉस्ट करने के बाद जो उनका प्रोडक्ट है, जो भी उनके पास मार्बल्स बचे हैं, मतलब ये मार्बल्स बचे हैं जॉन के x माइनस 5 और जिवंती के 40 माइनस x, है ना. तो ये जो मार्बल बचे हैं उनका प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लिकेशन कितना है उनका, उनके बीच का 124. क्लियर है इतना. अब हमें ये जब पता चल गया, तो हम क्या कर लें, इसको सॉल्व कर लेते हैं. सॉल्व कर लें तो ये कितना हो जाएगा, 40x माइनस x स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इक्वल्स टू हाउ मच, 124. क्लियर. तो x स्क्वायर वाले टर्म को x स्क्वायर वाले में रखते हैं, x स्क्वायर, ये 40x और 5x कितना हो जाएगा, प्लस 45x माइनस 200 इक्वल्स टू व्हाट, 124. अब 124 को इधर लेके आ जाऊं या 200 को उधर लेके चले जाऊं, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 माइनस 124 इक्वल्स टू 0. इट बिकम व्हाट, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इक्वल्स टू 0. ओके, ये क्या हो गया, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया. क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हो गया, लेकिन अब मैं इसको माइनस से भी तो मल्टीप्लाई कर सकती हूँ. तो इसको ऐसे लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0. ये मैथमेटिकली अब हमारा क्या हो गया, रिप्रेजेंट हो गया. देयरफॉर दिस नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन एंड जिवंती सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये जॉन और जिवंती के नंबर ऑफ मार्बल से हमें मिल गया है. ओके, तो इस टाइप से ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. एक्सरसाइज 4.1 में ज्यादा कुछ नहीं है, हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं यही बताना है. तो अब हम जंप करेंगे डायरेक्टली एक्सरसाइज 4.1. स्टूडेंट, सेम टाइप के क्वेश्चंस एग्जांपल में भी हैं, आप ट्राई जरूर करिए. जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप सबके लिए अच्छा होगा. गाइज, अगर आपको फुल एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस चाहिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगी. एक्सरसाइज के सारे सॉल्यूशन एक्सरसाइज वाइज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. थैंक यू.